भांजे भांजियों का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने अद्भुत स्नेह और प्रेम की वर्षा आज की है और उनका जो विश्वास है ये कभी टूटने नहीं देंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बीजेपी की सरकार ने बनाई, हमने पहले भी जो योजनाएं बनाई थी 1.25 साल के कमलनाथी राज में सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी, उनने संबल योजना बंद कर दी थी, एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप छीनने का पाप किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी करवाते थे शादी हुई लेकिन पैसा एक ढेला नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे वो लौटा दिए, गरीबों तक नहीं जाने दिए, किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े। एक नहीं ऐसी कई योजनाएं, जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। तो 1.25 साल के राज में मध्य प्रदेश कई वर्षों तक पिछड़ गया लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने तो अपने समय में बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, कमलनाथ जी करप्शन नाथ है ये सारा जमाना जानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल बहना नहीं है, केवल योजना नहीं है, ये बहनों का आत्मसम्मान है, ये बहनों का विश्वास है, चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो। अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी 13 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे किसी कंपनी में काम जाके सीखेंगे तो उनके खाते में 8,000 रुपया दिए जाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि जो कमलनाथ जी ने बिल्ले नहीं दी थी, अब 6,000 पीएम साहब देंगे, 6,000 सीएम की आएगी। तो जनता जनता को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है वो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। विकास और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, जन कल्याण, ये पार्टी का संकल्प है जिस पर हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ कथा करवा रहे हैं और इसके बाद अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? कथा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन उनके नेता ही संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो जरा कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें। टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का योग है कुछ कर लो। धन्यवाद।